पेंडेमिक ने हमारे लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाया है, खास करके हमारी शॉपिंग हैबिट्स में। इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री को इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। पेंडेमिक के दौरान लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करना सीख लिया है। जहां आपकी मम्मी, आपकी दादी जी व्हाट्सएप करने में भी स्ट्रगल करती थी, आज आसानी से वो अमेजोन और नायका जैसे ऑनलाइन स्टोर से अपना सामान मंगा लेती हैं। इजंट इट? हाय, दिस इज कविता जैन और आप सभी को मालूम होगा कि अक्टूबर 28 को नायका का IPO ओपन होने जा रहा है और इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम FSN e-commerce ventures का IPO रिव्यू करेंगे, जिसे आप बेहतर जानते हैं इसके ब्रांड नेम नायका से, सो दैट आप डिसाइड कर पाएं कि वेदर आपको इस IPO में निवेश करना चाहिए या नहीं। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली अरिहंत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट हमारे सभी वीडियो प्रेजेंटेशन की जानकारी आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के प्रोफाइल के साथ कि आखिर नायका करती क्या है। आई एम श्योर आप में से जितने भी फीमेल व्यूअर्स हैं उन्हें नायका के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, पर दोस्त जो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, लेट मी टेक यू थ्रू द कंपनीज बैकग्राउंड एंड द बिजनेस ओवरव्यू। नायका स्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 2012 अंडर द नेम FSN e-commerce ventures। हालांकि कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था विद द मल्टी ब्रांड ऑनलाइन स्टोर्स, लेकिन आज की तारीख में इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, रेंजिंग फ्रॉम द ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड यू नो फैशन प्रोडक्ट्स, जो कि ये अपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल के थ्रू सेल करती हैं। अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इनके बिजनेस वर्टिकल दो हैं, दैट वन इज द ब्यूटी एंड अनादर इज फैशन, वेयर इज रिसेंटली ये होम फर्निशिंग बिजनेस में भी उतर चुकी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी के फाउंडर भी एक फीमेल नायिका है, दैट इज मिसेस फाल्गुनी नायर। मिसेस नायर नायिका के पहले 18 साल कोटक के साथ काम कर चुकी हैं। Whereas she had served as managing director with the Kotak Investment Bank for more than 4 years and as a director and head of the equity institutional business for more than 6 years. In fact, नायका कंपनी में काफी सारी फेमस ब्रांड ने निवेश किया है, as like Fidelity, and apart from that, काफी फेमस सेलिब्रिटीज like Katrina Kaif and Alia Bhatt ने भी नायका में निवेश किया है। As of August 2021, कंपनी के 76 ऑफलाइन स्टोर्स हैं जो कि 40 से ज़्यादा सिटीज़ में अवेलेबल हैं। हालांकि इनका मेजर बिजनेस आता है इनके ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू द वेबसाइट एंड द मोबाइल एप्लीकेशन। नायका इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल पर काम करती है, दैट मीन्स द प्रोडक्ट ये जो सेल करती हैं उनकी इन्वेंट्री इनके पास होती है, एंड वंस ऑर्डर रिसीव होने पर ये खुद इन्हें अपने कस्टमर्स को डिस्पैच करती हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में आज की तारीख में नायका नंबर वन प्लेयर है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ्स एंड बिजनेस वुमेन्स इनके प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हुए देखती हैं, और क्यों न करें, एज लाइक कंपनी ऑफर करती है मोर देन 1.97 लाख SKU फ्रॉम 2,476 ब्रांड अंडर वन अम्ब्रेला ओनली। आज की तारीख में इतनी बड़ी रेंज और कोई दूसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफर नहीं करता। वेयर एज इन नायका के प्लेटफॉर्म पर ऐसे काफ़ी रिनोन इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ नायका के प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल हैं बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूसिव टाइप। कंपनी दूसरे ब्रांड के साथ साथ अपने खुद के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करती हैं अंडर द नेम कॉल नायका कॉस्मेटिक्स, नायका के ब्यूटी, नायका नेचुरल्स एक्सेट्रा। अगर आप सोशल मीडिया एक्टिवली यूज़ करते हैं तो आपको मालूम होगा कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म के काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर आज की तारीख में सेलिब्रिटीज़ हैं। नायका के साथ ऐसे मोर देन 3,000 इन्फ्लुएंसर काम करते हैं जिनके थ्रू नायका अपना कंटेंट लैंड लाइफस्टाइल रिटेल एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स को ऑफर करती है। थ्रू दिस कंटेंट कंपनी का एंगेजमेंट विद देयर कस्टमर्स बढ़ता है और ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ते हुए दिखती है। कंपनी की स्ट्रांग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के चलते कंपनी ने अपना ब्रांड बहुत अच्छे से मार्केट में एस्टेब्लिश किया है और इनकी रीच आज इंडिया में छोटे से छोटे शहर में भी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स।
एवरी मंथ कंपनी की वेबसाइट पर मोर देन 5.5 करोड़ लोग विजिट करते हैं। वेयर एज अगर इनके मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो एज ऑफ अगस्त 2021 इनके क्यूमुलेटिव डाउनलोड है मोर देन 5.5 करोड़। करीब 1.3 करोड़ ऑर्डर ये डिस्पैच करते हैं थ्रू देयर 13 वेयर हाउसेज टू देयर कस्टमर्स। वेयर एज इनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू की अगर बात करें तो दोनों ही सेगमेंट ब्यूटी एंड फैशन में इनका AUV हर साल बढ़ता हुआ दिखता है। और इसमें सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि नायका इंडिया के उन चंद ई कॉमर्स इंडस्ट्री में से एक है जो कि प्रॉफिटेबल है। कंपनी ने 61.96 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है इन द ईयर 2021 ऑन द रेवेन्यू ऑफ 2,453 करोड़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि नायका IPO लेकर क्यों आ रही है, क्यों फंड रेज करना चाहती है और आखिर इस पैसे का करेगी क्या। तो आप जैसे निवेशक और आप जैसे हजारों निवेशक जो कि IPO में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए IPO की ऑब्जेक्टिविटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कंपनी टोटल 5,352 करोड़ का इशू साइज लेकर आ रही है जिसमें से 630 करोड़ का फ्रेश इशू है और 4,722 करोड़ का OFS है। नहीं समझ आया? लेट मी मेक इट सिंपल। कंपनी टोटल 5,352 करोड़ रुपया रेज करना चाहती है जिसमें से 630 करोड़ की इक्विटी वो सेल कर रही है एज फ्रेश इशू, जिसका पैसा सीधे कंपनी के खाते में जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। वेयर एज रेस्ट 4,722 करोड़ के शेयर्स, दैट मीन्स मोर देन 4 करोड़ शेयर्स जो हैं आप खरीदेंगे कंपनी के प्रमोटर्स से जो कि इनके अर्ली इन्वेस्टर हैं। कंपनी के प्रमोटर्स लाइक फाल्गुनी नायर, संजय नायर, सम प्राइवेट इक्विटी फॉर्म्स TPG एंड द लाइट हाउस जिन्होंने कंपनी के अर्ली स्टेज में पैसा लगाया था और अब IPO के रूट से वो अपना प्रॉफिट बना रहे हैं अपना स्टेक सेल करके या अपना स्टेक। अब जो 630 करोड़ रुपया कंपनी रेस कर रही है उसमें उसका यूटिलाइजेशन कंपनी कैसे करेगी। आउट ऑफ दिस 630 करोड़, 42 करोड़ कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनीज लाइक नायका फैशन, नायका रिटेल, FSN में यूज करेगी इन ऑर्डर टू सेट अप द न्यू वेयर हाउसेस। अपार्ट 156 करोड़ रुपीज कंपनी यूज करेगी अपने लोन रीपेमेंट या प्रीपेमेंट के लिए। एल्स 234 करोड़ रुपीज़ कंपनी यूज़ करेगी अपनी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जो कि इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करेगा और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। रेस्ट पैसा कंपनी अपने जनरल खर्चे के लिए यूटिलाइज करेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडस्ट्री ओवरव्यू। सो नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट BPC मार्केट, दैट इज ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट। 2019 में इंडिया के ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट जिसे हम BPC के नाम से आगे जानेंगे का मार्केट साइज था 1.26 लाख करोड़ और वो लास्ट 3 इयर्स से 13% CAGR की रेट से ग्रो हो रहा है विच इज़ फिनोमिनल। कोविड के कारण 2020 में इस इंडस्ट्री ने थोड़ी डीग्रोथ देखी गई है बट थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो इट अ CAGR ऑफ 12% टू रीच अराउंड 2 लाख करोड़ इन 2025। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन ऑनलाइन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट। इंडिया में ऑनलाइन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट ने एक ज़बरदस्त 60% CAGR की ग्रोथ लास्ट 4 ईयर्स में की है और इसका कंट्री में 8% पेनिट्रेशन हो गया है जो आगे बढ़ने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स थर्ड सेगमेंट, दैट इज इंडियन फैशन मार्केट। 2016 में इंडियन फैशन मार्केट की साइज 4.18 लाख करोड़ रुपीस थी। 2025 में इस मार्केट की साइज बढ़कर 8.7 लाख करोड़ रुपीस हो जाएगी ऐसा एक्सपेक्टेड है। इसमें अपैरल की साइज 18% है और फुटवेयर एंड एसेसरीज की कंबाइंड साइज करीब 20% है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल एंड वैल्यूएशन। जहां तक कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात आती है, वी हैव डिस्कस्ड दैट कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2021 में प्रॉफिटेबल है। इट मेड अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹62 करोड़ ऑन अ रेवेन्यू ऑफ ₹2,453 करोड़। बट इसके पहले कंपनी पिछले 2 साल से लॉस कर रही थी, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू 2019 से 2021 में 59% से ग्रो हुआ है और 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2021 में 38.1% ग्रो हुआ है।
Now let's talk about the issue details. आप issue details दे सकते हैं हमारे presentation में, जहाँ issue का size है 5,352 करोड़ रुपया, जिसमें से fresh issue है 630 करोड़ रुपया और offer for sale है 4,721 करोड़ रुपया. कंपनी का प्राइस बैंड है 1085, दैट इज़ द लोअर बैंड, एंड 1125 इज़ द अपर प्राइस बैंड. कंपनी का फेस वैल्यू है 1 रुपया और आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं विद द मिनिमम लॉट ऑफ 12 शेयर्स. इशू के ओपनिंग डेट है October 28, 2021, वेयर एज कंपनी का इशू क्लोज होने जा रहा है November 1, 2021 को. इशू के ब्रेकअप की बात करें, सो QIB का पोर्शन है 75%, दैट इज़ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स. फॉर द नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर पोर्शन इज़ 15, वेयर एज रिटेल पोर्शन इज़ ऑफ 10%. चलिए बात करते हैं अब उस सेगमेंट की जिसका आपको सबसे बेसब्री से इंतज़ार होता है, कि वेदर इस IPO में निवेश करें या न करें, कंपनी के वैल्यूएशन हाई है, रीजनेबल है, एंड सो ऑन. यस, सो एट द प्राइस बैंड ऑफ 1085 एंड 1125, कंपनी अपने बिजनेस को वैल्यू कर रही है 52,574 करोड़ रुपया. एट द अपर प्राइस बैंड ऑफ 1125, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स है 21.8x कंपेयर्स टू इट्स प्रीवियस ईयर सेल्स ऑफ 2,453 करोड़ रुपया. लुकिंग टूवर्ड्स दैट, कंपनी के वैल्यूएशन लिटिल स्ट्रेच लगते हैं. बट येस, वी शुड कीप इन माइंड कि कंपनी का बिजनेस मॉडल एक डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल है, एज लाइक द केस ऑफ द Zomato, जिसका वैल्यूएशन लिटिल स्ट्रेस्ड होते हैं. एट अरिहंत कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, हम रिकमेंड कर रहे हैं टू सब्सक्राइब इन दिस IPO फॉर द लिस्टिंग गेन्स, वेयर इज दोज इन्वेस्टर जिनका रिस्क एपिटाइट हाई है, दे कैन इन्वेस्ट इन दिस IPO, वेयर इज दोज जिनका रिस्क एपिटाइट लो है, दे कैन इन्वेस्ट इन दिस IPO एट द लोअर लेवल्स फ्रॉम द मार्केट. थैंक यू. दिस इज ऑल अबाउट फॉर द IPO नाइका, एंड फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल. थैंक यू. बाय बाय एंड टेक केयर.